नाजीर आदाब, TLS TV में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना रियासती हज कमेटी के तवस्सुल से मक्का मुकरमा जाने वाले आजिम हज की रहनुमाई व खिदमत के लिए 22 खादिम हुज्जाज का इंतखाब खरानंदाजी के जरिए अमल में लाया गया। 150 अहम उम्मीदवारों में से 22 खुशनसीब उम्मीदवार जिनमें मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजमीन शामिल हैं, जिनमें काबिल जिक्र मोहम्मद अब्दुल सबी महकमे आयुष हैदराबाद, मोहम्मद जाकिर महकमे पुलिस हैदराबाद, मोहम्मद अलीमुद्दीन महकमे तालीमत संगारेड्डी, मुजाहिद मोहिद्दीन महकमे तालीमत हैदराबाद, मोहम्मद अब्दुल जमील महकमे तालीमत हलमकुंडा, मुख्तार अहमद महकमे तालीम हैदराबाद, मोहम्मद अब्दुल मुनीर महकमे तालीमत मानू, सैयद रहमत मोहिद्दीन खादरी महकमे बागबानी महबूबनगर, अहमद हसीबुद्दीन विखार महकमे तालीमत संगारेड्डी, मोहम्मद इरफान शरीफ महकमे मिशन भगीरथा महबूबनगर, मोहम्मद जाकिर बादशाह महकमे पुलिस हैदराबाद, जवाद हुसैन महकमे तालीमत निर्मल, सैयद अब्बास हुसैन महकमे सेहत हैदराबाद, मोहम्मद मोहिद्दीन महकमे तालीमत हैदराबाद, मोहम्मद महमूद अली महकमे इमदाद बहामी हैदराबाद, मोहम्मद यूसुफ महकमे तालीमत निज़ामबाद, मोहम्मद अलीम महकमे RNB हैदराबाद, सैयद इस्माइल महकमे TSSBTCL हैदराबाद, मोहम्मद अब्दुल मुजाहिद महकमे पुलिस हैदराबाद, सैयद इम्तियाज़ महकमे वजारत दिफा मेडिकल मलकाजगिरी, एमए खाजा महकमे रेलवे मेडिकल मलकाजगिरी, मोहम्मद अखिल हुसैन महकमे तालीमत कामारेड्डी शामिल हैं। इनके अलावा 3 अफराद को जिनमें मोहम्मद अयूब महकमे दिफा संगारेड्डी, सैयद अजीमुद्दीन महकमे तालीमत रंगारेड्डी, मोहम्मद अजीज़ पाशा महकमे TSSPLDCL हैदराबाद शामिल हैं जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं। खरानंदाजी तकरीब में सैयद उमर जलील सेक्रेटरी बरा अखिलेती मोर ने खिताब करते हुए नामंतखबा खादिम हुज्जाज पर जोर दिया कि वह आजिम हज की बेहतर खिदमत को अपना रस्म लाइल बना लें और सदखदील से खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर लियाकत अली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तेलंगाना हज कमेटी ने खैर मुकदम किया और इरफान शरीफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने कार्रवाई अंजाम दी। हूँ और वो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम में शिरकत करे हैं। सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे हानरेबल सेक्रेटरी माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट उमर जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मेरे रिक्वेस्ट पर वो ये खुरा का प्रोसेस देखने के लिए उनके सुपरविजन पे करना ये मेरी ख्वाहिश थी, तो मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये हर साल की तरह खादिमुल हुज्जाज को जो भेजा जाता सेंट्रल हज कमेटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया माइनॉरिटी अफेयर्स के डिपार्टमेंट के सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस रूल्स के मुताबिक हर 300 हाजियों को एक खादिम को भेजा जाता। इस साल तेलंगाना का कोटा 7,811 है, 300 के हिसाब से एक एक खादिम को भेजना है तो ये कोटा मिल रहा अपने को 26 खादिमुल हुज्जाज को भेजना है। अगेन 26 का 15% एज पर द रूल्स रिजर्व कैटेगरी फॉर तेलंगाना स्टेट हज कमेटी एज वेल एज तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, 26 का 15% हो गया 4, यानी 26 माइनस 4 बोले तो 22 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन खुर्रा के तहत करना है। जब हम अप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉल करें इसमें टोटल 180 अप्लीकेशंस आए, 180 अप्लीकेशंस का हम वेरिफिकेशन करें स्क्रूटिनी करें जिसमें 25 अप्लीकेशंस को हम रिजेक्ट करें। जैसा कि रिजेक्ट कैटेगरी में 3-4 किस्म के रिजेक्शंस है, जो खादिमुल हुज्जाज के लिए जो पैरामीटर्स बताए गए हैं कि वो गवर्नमेंट सर्विस में रहना, 50 साल के अंदर उम्र रहना, एक मरतबा कम से कम हज या उमरा करे हुए रहना और लास्ट 23 हज में खादिमुल हुज्जाज करके नहीं रहना। जो 23 में खादिमुल हुज्जाज करे हुए हैं उनको चांस नहीं है, जो ऑलरेडी पूरे सर्विस में 2 मरतबा खादिमुल हुज्जाज कर चुके हैं वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं और वुमेन कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ भी एलिजिबल नहीं हैं। तो वो जो है वो तमाम रूल्स को नज़र में रखते हुए हम 25 दरख्वास्तों को रिजेक्ट करें, 180 माइनस 25 हो गया 155 में, जैसा मैं अभी बताया आपको जो रिजर्व कैटेगरी है हज कमेटी के 2 वक्फ बोर्ड के 2 इसके वास्ते हमारे को 7 अप्लीकेशंस वसूल हुए, वो अलग से रिजर्व कैटेगरी का हम वो अलग पूरा कर लेंगे। अब बच गए आपको 155 माइनस 11 यानी 144 एलिजिबल अप्लीकेंट्स है जिनका लिस्ट हम वहाँ पे बोर्ड पे डिस्प्ले कर चुके हैं आपके फ़ोन नंबर्स के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, आपके ID के साथ। और जो रिजेक्टेड 25 है रिजेक्शन का रीज़न बताते हुए भी
वहाँ पे हम डिस्प्ले करे हैं। ये 144 अप्लीकेंट्स में से हमार को 22 खादिमुल हुज्जाज का सिलेक्शन खुरा के ज़रिए से करना है। 22 प्लस 3 जो है हम वेटिंग लिस्ट में रखना चाह रहे हैं। किसी वजह से ये 22 सेलेक्टेड लिस्ट में है, सो वाले किसी वजह से नहीं जा सके तो फिर खुरंदाजी नहीं कर सकते, तो लिहाजा ये 3 जो वेटिंग में है ये लोगों को अपग्रेड करेंगे। वेटिंग का वेटिंग बोल के डिक्लेयर करके ही करेंगे। पहले आउट ऑफ 144 में से 22 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आपके नज़र के सामने आपके हाथों से होगा।